एनफो जो है वो उसकी परफॉर्मेंस पे एक डिटेल्ड है डिस्कशन हुई थी, और लास्ट पे जो लोडिंग एंड प्राइमिंग, उसमें जो मैंने आपको नोट्स, मेरा जो लेक्चर है उसको फॉलो कीजिएगा ज़्यादा। तो ये है मामला, Recording आज in हम इंशाल्लाह progress. शुरू। अच्छा, ये कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग क्या होती है? कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग जी, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग क्या चीज़ है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कंट्रोल्ड सर, हम उसमें सर टाइम का डिले इंट्रोड्यूस करवा देते हैं उनके दरम्यान, कोई भी इनर्ट मटेरियल यूज करके, अगर हमने पीपीवी को कंट्रोल करना हो तो। कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग से क्या मुराद है? हम उससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों कंट्रोल्ड कर रहे हैं, और कंट्रोल्ड में हम क्या उसमें क्या करते हैं, चीज़ें जो हैं कौन सी चीज़ें हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, और हमारा मेन फोकस जो है वो क्या होता है? पीक पार्टिकल वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। पीक पार्टिकल वेलोसिटी को क्यों कंट्रोल करते हैं? पीक पार्टिकल वेलोसिटी को सर, वो वॉयलेंस अगर हमने ना जनरेट करवाना हो तो फिर तब यूज करते हैं। वॉयलेंस, वॉयलेंस क्या करेगा? फिर फ्लाई रॉक्स और एयर ब्लास्ट वगैरह प्रोड्यूस कर देते हैं, फ्लाई रॉक्स या और फिर एयर ब्लास्ट। एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन, अगर एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन को कंट्रोल करना हो तो भी। एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है? एक्सेसिव को जरा एक्सप्लेन कर दे, बाकी लग रहा है कि वो आप करीब करीब आ गई हैं। एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन से क्या मुराद है? एक्सेसिव फ्रेगमेंटेशन मतलब सर, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे अगर वो उससे ज्यादा मटेरियल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उसको कंट्रोल करना हो तो फिर हम कंट्रोल ब्लास्टिंग यूज करते हैं, और उसमें डिले जनरेट करवा देते हैं। मतलब हम जो एक्सप्लोसिव है उसको लेयर्स में रखते हैं ब्लास्ट होल के अंदर, और उनके दरम्यान हम कोई भी इनर्ट मटेरियल रख देते हैं, जिसकी वजह से उसके दरम्यान मिनिमम 9 मिलीसेकंड का डिले आ जाता है, और उसकी वजह से जो फ्रेगमेंटेशन है वो ज्यादा नहीं होती। कुछ चीज़ें आपकी सही हैं लेकिन दो चार चीज़ें मिक्स कर दें। देखें, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग जो है वो एक वो भी सेंस आपने सही कहा जी, कि उसमें एक्सप्लोजिव अमाउंट को भी देखते हैं हम, और उसमें फ्लाई रॉक्स और ये सारी चीज़ें, ग्राउंड वाइब्रेशंस, वो भी विद इन लिमिट होनी चाहिए, वो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग जो है ना, वो टर्म हम यूज कर रहे हैं फॉर इम्प्रूविंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द रॉक एट द पेरीमीटर ऑफ द एक्सकवेशन। ये आप याद रखें कि जो फाइनल लाइन ऑफ एक्सकवेशन है वहां पे ओवर ब्रेक ना आए, वो एक बड़ी फाइन जो है वो एक एस्थेटिक लाइन आए कि जो उसमें जो है वो ओवर ब्रेक ना हो। ठीक है, अगर आप टनल बना रहे हैं और फाइनल लाइन जो है टनल की, जो एक्सकवेशन लाइन है, वो ओवर ब्रेक हो गई है और उसमें जो है अनइवननेस आ गई है, तो व्हाट विल हैपन? तो वो उसमें फिर आपको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, चार्जेस ज़्यादा उसकी जो है वो आप उसमें उस पर लाइनिंग करनी पड़ेगी सारा। तो हम ये कहते हैं कि जो फाइनल लाइन है एक्सकेवेशन की, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको एक स्मूथ लाइन लेने के लिए हम ये क्या करते हैं, हम ये इसको कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग करते हैं, और इसको कहते हैं पेरीमीटर ब्लास्टिंग। ये पेरीमीटर के ऊपर जो है इसका जो है वो ज्यादा जोर होता है। ठीक है, वो कंट्रोल उस सेंस में भी है,
वो कंट्रोल करना जो है वो ग्राउंड वाइब्रेशन, एयर ब्लास्ट, फ्लाई डॉग्स, उनको भी कंट्रोल करना। तो ये जो कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, द टर्म कंट्रोल ब्लास्टिंग इज यूज टू डिस्क्राइब सेवरल टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग द कंपिटेंस ऑफ द रॉक एट द पेरीमीटर ऑफ एन एक्सकवेशन। तो पेरीमीटर पे जो फाइनल लाइन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो करते हैं उसमें जो है वो ये कंट्रोल ब्लास्टिंग। ये भी मैं आपके साथ ये इधर फिगर शेयर करता हूँ। ये नजर आ रहा है ना आपको ये स्क्रीन पे, ये मैनुअल डेस्कटॉप पर? यस सर। अच्छा ये देखेंगे, ये इसकी पेरीमीटर लाइन है, ये टनल है, ये इसकी, ये स्मूथ ब्लास्टिंग में ये पेरीमीटर लाइन है। अब यहाँ पे हम जो इसमें प्ले करेंगे, इसमें जो इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसमें जो डिजाइन करेंगे, वो इस तरह का करेंगे कि ये जो फाइनल लाइन है इसकी, ये जो है वो बड़ी कंट्रोल्ड और स्मूथ आए हमारे पास, उसमें जो है बैक ब्रेक ना आए, या उसमें जो है वो ऐसा मटेरियल ना हो जो ब्रेक ना हुआ हो। तो ये लाइन जो है वो स्मूथ होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए जो है हम करते ये के लिए इसी तरह सरफेस के ऊपर भी जो है वो इसको हम करते हैं। तो इसमें जो है वो फोर टेक्निक्स हैं, वन बाय वन हम उसको स्टडी करेंगे। वन इज द लाइन ड्रिलिंग, लाइन ड्रिलिंग, ये फोर टेक्निक्स हैं। नंबर वन लाइन ड्रिलिंग, नंबर टू प्री स्प्लिटिंग एंड स्मूथ ब्लास्टिंग एंड कुशन ब्लास्टिंग। ठीक है, तो इसमें ये जो है वो चारों टेक्निक्स, इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक्स क्या हैं, उनके नाम दें, तो आपने चारों के नाम दे देने हैं। और किसी एक के बारे में पूछा जाए या किसी सबके बारे के, हर एक का जो वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाए, तो वो आपने देना है। अब लाइन ड्रिलिंग क्या है? लाइन ड्रिलिंग जो है वो जो आप ऐसा समझ लें कि ये जो है आपके पास ये एक रिंग बाइंडिंग वाला, जो ये आपके पास रजिस्टर होता है जिसमें ये रिंग्स लगे होते हैं, और इसमें परफोरेशन जो होती है, जब आपने पेज को फाड़ना हो तो वो इजीली पेज फट जाता है। ठीक है, वो परफोरेशन है जो रिंग बाइंडिंग में पेजेस लगे हुए हैं। अब एक पेज को निकालना हो तो इतने ज्यादा वो रिंग जो सुराख है उसमें, उसको जो इजीली पुल करेंगे तो पेज आराम से बाहर आ जाएगा विदाउट डिस्टोर्टिंग द अदर पेजेस, या सारा वो उस मामले को खराब किए। तो लाइन ड्रिलिंग भी इसी तरह का ही मामला है कि ये जो अगर आपने लाइन ड्रिलिंग करनी है, तो ये लाइन ड्रिलिंग करेंगे कहाँ पे, हमने डिसाइड कर लिया कि ये पेरिफेरल रीजन, जो लास्ट वर्किंग लाइन है, जो लास्ट रो ऑफ द ब्लास्ट है, उस पर करेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ब्लास्ट होल्स जो है उनका साइज जो है वो ड्रिल होल का छोटा रखते हैं। 2 to 3 inch जो है वो साइज होता ब्लास्ट होल होता है, और उनके दरमियान स्पेसिंग रखते हैं 2 to 4 diameter। ठीक है, 2 to 3 जो है वो डायामीटर जो है वो जो ड्रिल होल है उसका साइज है, और 2 to 4 जो है वो दे आर डायमीटर अपार्ट, उनकी स्पेसिंग जो है वो फ्रॉम सेंटर टू सेंटर क्या होगी, 2 to 4 diameter अपार्ट। ये हम पेरिफेरियल लाइन की बात कर रहे हैं, ये लाइन ड्रिलिंग में। तो लाइन ड्रिलिंग में जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन इज मोर क्लोजली स्पेस्ड एज कंपेयर टू रिमेनिंग ऑफ द ब्लास्ट, बाकी जो होल्स है उससे, और वो उनकी स्पेसिंग कैसे है, उनका साइज 2 to 3 inch इन डायामीटर है, एंड देयर स्पेसिंग इज 2 to 4 diameter अपार्ट। अब ये जो लास्ट लाइन है, दिस लास्ट लाइन इज अनलोडेड, इसमें एक्सप्लोजिव नहीं डालते, इसमें हम एक्सप्लोजिव नहीं डालते। और जो है ये जो लाइन है, यहाँ पे जब आप ब्लास्टिंग करते हैं तो यहाँ से जो है वो जो स्ट्रेस वेव्स हैं इससे बियॉन्ड नहीं जाती, बल्कि इसके अलोंग ही ये सेपरेशन हो जाती है। तो ये एक लाइन ड्रिलिंग जो है वो इसको सम टाइम जो है, अगर एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आप चाह रहे हैं कि ये इससे भी कुछ स्ट्रेस वेव्स पीछे जा रही हैं और डैमेज कर रही हैं आपकी फाइनल लाइन को, तो फिर जो लाइन ड्रिलिंग से इमीडिएट नेक्स्ट लाइन है उसमें जो ब्लास्ट होल्स हैं उनको भी आप
उसमें एक्सप्लोजिव कम कर सकती है। तो एक्सप्लोजिव जब आप कम करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस वेव्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, वो जैसे हम शुरू से कह रहे हैं कि कोई भी काम करना है आपने तो स्टेट पे ये नहीं है कि आपने एक ब्लास्ट कर दिया और आइडियल रिजल्ट्स आ गए। यू विल हैव टू डू वन और टू ब्लास्ट और फिर उसको जो है फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, कुछ कम कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये लाइन ड्रिलिंग का है मामला। फाइनल लाइन इज मोर क्लोजली स्पेस्ड, दे आर स्मॉल होल्स, दे आर अनलोडेड और दे एक्ट एज ए जो पेरिफेरियल लाइन जो है वो आपके पास एक नीट एंड क्लीन आ जाए। अगर वहां से मसला फिर भी हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन जो है इमीडिएट नेक्स्ट लाइन टू द लाइन ड्रिल होल्स, उसको भी आप पार्शली लोडेड या डीकपल कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये इसका बेसिक है, इस पे कोई चीज ना समझ आई हो। चले आगे। यस सर। चले ठीक है। अगर इसमें ड्रिलिंग आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लाइन बेसिकली लाइन ड्रिल्ड होल्स प्रोवाइड ए प्लेन ऑफ वीकनेस टू विच द फाइनल रो ऑफ द ब्लास्ट होल्स कैन ब्रेक एंड आल्सो रिफ्लेक्ट ए पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट स्ट्रेस वेव्स, ठीक है। तो ये जो इसमें अगर आप ड्रिलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, द मैक्सिमम प्रैक्टिकल डेप्थ टू विच द ड्रिलिंग कैन बी डन इज गवर्न्ड बाय हाउ एक्यूरेटली द अलाइनमेंट ऑफ द होल्स कैन बी हेल्ड एट ए डेप्थ, और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं 30 फीट जो है ये जा सकते हैं। तो ये जो है वो क्योंकि इसमें जो होल्स दे आर मोर क्लोजली स्पेस, इसमें ड्रिलिंग का ज़्यादा जो है वो काम है और इसमें फिर आपके जो है एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, ड्रिलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ पे जो है वो आप कहते हैं कि ये यहाँ पे हमें ये सेंसिटिव एरिया स्पेस नहीं जानी चाहिए पीछे, तो फिर यू डू इट, तो ये जो है उसको आप यूज करते हैं। दिस इज लाइन ड्रिलिंग। द नेक्स्ट इज द प्री स्प्लिटिंग। प्री का मतलब है पहले से, प्री स्प्लिटिंग। प्री स्प्लिटिंग जो है वो मोस्टली हम सरफेस माइनिंग के ऊपर यूज करते हैं, सरफेस माइनिंग के ऊपर जो है वो इसको यूज करते हैं। अब ये प्री स्प्लिट क्या है, एक कोई ब्लास्ट एक बेंच है, जैसे हम नंबर ऑफ बेंच देखते रहे हैं उसमें 3 रोज हैं 4 हैं, तो लास्ट जो पेरिफेरियल रो है, लास्ट रो जो है वो पेरिफेरियल रो है, उसको हम क्या करते हैं जिस तरह हमने लाइन ड्रिलिंग में किया है, दे आर मोर क्लोजली स्पेस, लेकिन इतना क्लोजली स्पेस नहीं होते होल्स जितना के लाइन ड्रिलिंग में होते हैं। तो स्पेसिंग जो है कम तो होती है लेकिन इतनी कम नहीं जितनी लाइन ड्रिलिंग में। अब दीज होल्स दे आर नॉट अनलोडेड, उसको लोड किया जाता है, दे आर डीकपल्ड और दे आर पार्शली लोडेड, उसको थोड़ा सा लोड जो है उसको जानबूझ के डीकपल करते हैं और उसको पार्शली लोड करते हैं, ठीक है। और अब इसमें जो मेन डिफरेंस है, अक्सर मैं पूछता हूँ बच्चों से, वो ये है प्री स्प्लिट, इसमें जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन जिसको हम कह रहे हैं कि प्री स्प्लिट होल्स, इट विल फायर फर्स्ट, सबसे पहले वो जाएगी और बाकी जो है रिमेनिंग ब्लास्ट होल्स इन द मेन ब्लास्ट जो आपके बाकी होल्स हैं वो, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्री स्प्लिटिंग, यानी कि जो स्प्लिट लाइन है उसको पहले से आप ब्लास्ट कर देंगे, वो सबसे पहले जाएगी और बाकी वाली रो जो है उसके बाद में जाएगी। सबसे पहले वो लाइन बन जाएगी, एक पेरिफेरल लाइन पे आप एक क्रैक सा डेवलप हो जाएगा ताकि जो है वो स्ट्रेस वेव उस एरिया से उस क्रैक से उस स्प्लिट लाइन से पीछे ना जाए। इसको और एक्यूरेट करने के लिए अगर कोई अगर जो प्री स्प्लिट लाइन फ्रैक्चर्ड है तो हम जो है होल्स के दरमियान गाइडेड होल्स भी लगा सकते हैं, तो उसमें गाइडेड होल्स भी लगा के उसको जो है वो बेहतर किया जा सकता है। तो इफ़ यू आर डूइंग ए वेरी गुड ड्रिलिंग विद एक्यूरेसी यू कैन गो अप टू 50 फीट, उसमें 30 था ये 50 फीट। सो द डिफरेंस बिटवीन लाइन ड्रिलिंग एंड प्री स्प्लिटिंग इज द उसमें जो है लाइन ड्रिलिंग में पेरिफेरियल लाइन अनलोडेड थी लेकिन इसमें पार्शली लोडेड है, स्पेसिंग इसकी जो है वो उससे थोड़ी ज्यादा है, लाइन ड्रिलिंग से ज्यादा है। और इसमें जो मेन डिफरेंस है जो आपने बात करनी है कि प्री स्प्लिट होल्स दे आर फायर्ड फर्स्ट डिले पे इसको फायर करते हैं और बाकी जो है ब्लास्ट होल्स को आप फायर करते हैं।
ये है इसमें। अब ये देखें कि ये जो है ब्लास्ट होल लोड्स फॉर प्री स्प्लिट। प्री स्प्लिट करने के लिए इस तरह भी कर सकते हैं आप, ये आप जो है डेटोनेटिंग कॉर्ड के साथ छोटे छोटे कैटरेजेस लगा के ये थोड़ा सा ये इसको एक्सप्लोजिव जो है वो कम हो गया है, डीकपल हो गया इस साइड से, तो इस तरह इसका जो है वो स्ट्रेस इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह ये करना है तो या फिर इस तरह जो है वो कपलिंग कर देते हैं उसको जो है साथ छोटे छोटे लगा के, ये इसमें प्राइमर है वो छोटे छोटे ये साथ एक्सप्लोजिव कैटरेजेस लगा के, अगर ऐसा ना हो तो एक हाई स्ट्रेंथ की डेटोनेटिंग कार्ड ही लगा देते हैं, मोटी वाली कार्ड लगा दी एक ब्लास्ट होल्स में, तो वो उसको डेट विल सर्व द पर्पज, उसमें वो डीकपलिंग करेगी और वो उसका पर्पज इस तरह जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यू कैन गेट अप टू 50 फीट बाय अडॉप्टिंग दिस प्रोसीजर। तो ये आपने याद रख लेनी है बातें, वेरी सिंपल, तो ये आपने इसको याद रखना है। नंबर 3 इज द स्मूथ ब्लास्टिंग। अब ये प्री स्प्लिटिंग जो है वो नॉर्मली सरफेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन कभी कभार ओकेजनली जो है इसको अंडरग्राउंड के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन ये जो स्मूथ ब्लास्टिंग है दिस इज प्योरली फॉर द अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग, जो हमने अभी बात की थी कि ये जो है वो ये वाला, ये देखें कि ये टिपिकल स्मूथ ब्लास्टिंग पैटर्न। आप इसमें अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा अंडरग्राउंड का आइडिया हो गया कि ये कट होल्स हैं, सेंटर में कट होल्स हैं, ये कट होल्स के बाद रिलीवर्स हैं और फिर जो है लार्जर्स हैं, लार्जर के बाद ये ट्रिम होल्स हैं, दीज आर द ट्रिम होल्स। अब ये ट्रिम होल्स के साथ हमने प्ले करना है, इसको हमने क्या करना है, आप ये देखें कि स्पेसिंग जो है इनकी स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा है, ट्रिम होल्स की स्पेसिंग जो है कम है, ठीक है। तो जो लास्ट पेरिफेरियल लाइन है ट्रिम होल्स की, उसकी स्पेसिंग हम क्या कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। बर्डन ज़्यादा होता है, स्पेसिंग कम होती है, तो इसका मतलब है अगर ड्रिलिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो ये भी उस हवाले से ये एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे इसको। और फिर लाइक प्री स्प्लिटिंग, ये इसमें भी इसको पार्शली लोडेड कर देते हैं, इन चार्जेस को डिकपल्ड कर देते हैं, फुली चार्ज नहीं करते, डिकपल्ड कर देते हैं इसको, पार्शली लोडेड दीज लाइंस, दे आर पार्शली लोडेड। और इसमें प्री स्प्लिटिंग में फर्क ये है कि प्री स्प्लिटिंग में तो ये लाइन सबसे पहले जाती है, लेकिन इसमें स्मूथ ब्लास्टिंग में ये लाइन सबसे एंड में जाएगी, पहले ये कट होल्स जाएंगे, कट होल्स के बाद रिलीवर्स एनलार्जर्स और फिर ये इसके बाद ये जो है वो आपके जो है ट्रिम होल जो है वो इसमें ये इस लाइन पे इसको जाएंगे। तो अगर आप इसमें कैटरेजीज ऐसी यूज कर रहे हैं जैसे मैंने अभी दिखाई है, तो फिर आप ये होता है कि ये जब ब्लास्ट होल फायर होते हैं तो उसकी वाइब्रेशन से कैटरेजीज यहाँ से बाहर ना आ जाए, तो उसकी प्लगिंग कर देते हैं अच्छी तरह, उसको प्लग दे देते हैं ताकि वो एक्सप्लोजिव चार्ज जो है वो बाहर ना आए। और इसमें इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको क्यों कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक नीट एंड क्लीन जो है फाइनल लाइन हमारे पास एक्सकवेशन की आए, और जब नीट एंड क्लीन एक्सकवेशन लाइन आएगी तो उसमें लाइनिंग की जरूरत नहीं होगी, अदरवाइज अगर ज़्यादा एक्सकवेट हो गया है तो फिर आप जो है वो फिर दोबारा उसकी लाइनिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें बड़े चार्जेस उसमें और टाइम और ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आ जाएंगी। तो इसका आप बेसिक ऑब्जेक्टिव समझिएगा कि लाइन इसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग क्यों कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा हम हासिल कर रहे हैं, और इसका टेक्निक क्या है, बेसिक यही है कि जो स्ट्रेस वेव्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, ताकि जो आपका जो पेरिफेरियल लाइन है जो आपने डिसाइड कर लिया कि ये हमारी जो बाउंड्री लाइन है इसके बियॉन्ड जो है वो डैमेज ना करे, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो चीज़ों को इस तरह इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है जी, चले आगे। कुशन ब्लास्टिंग, कुशन ब्लास्टिंग जो है इसमें ये फोर्थ टेक्निक है। कुशन ब्लास्टिंग जो है वो ये एक सरफेस माइनिंग का जो है वो समझ लें कि स्मूथ ब्लास्टिंग है जैसे आप अंडरग्राउंड में कर रहे हैं, लेकिन ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो दूसरी जो ब्लास्टिंग टेक्निक्स की तरह ये भी उसी तरह ही है कि जो लास्ट जो रो है वो जो है वो पेरीमीटर पे लाइटली लोडेड होगी, पार्शली लोडेड या डीकपल्ड होगी। अब इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो होल का साइज है, ब्लास्ट होल साइज जो है वो अप टू 6.5 इंच इन डायामीटर एंड हैव बीन यूज्ड इन कुशन ब्लास्टिंग।
अब इसमें अगर आप ड्रिलिंग बहुत एक्यूरेटली कर रहे हैं तो यू कैन गो अप टू 90 फीट, 90 फीट तक आप इसमें जा सकते हैं। तो इसमें जो है वो अगर आप का एरिया ये परमिट कर रहा है तो जाहिर है कि ये बड़े होल्स आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा, ड्रिलिंग कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसमें भी जो है वो मामला वैसे ही है कि ये जो पेरिफेरल लाइन है दैट विल गो इन द एंड, सिर्फ प्री ब्लास्टिंग जो है वो प्री स्प्लिटिंग में जो है वो क्या है कि वो तो सबसे पहले फायर होती है। तो ये प्री स्प्लिटिंग और बाकी जो टेक्निक्स में ये फ़र्क है, बाकी सबका जो है वो मामला एक जैसा है। तो अभी आपने कभी मोटरवे पे गए हैं और आपने देखा हो कि मोटरवे बन रही है, साइड से वो जो है वो स्लोप वगैरह बना रहे हैं, तो कभी आपने उसके हाफ कास्ट देखे हैं कि ड्रिलिंग की हो तो आधी ड्रिलिंग का पोर्शन आपको नजर आ रहा हो, उसको कहते हैं हाफ कास्ट। जी कभी आपने ट्रेवल किया हो इस साइड पे और आपने हाफ कास्ट देखे हो? मोटरवे पे अक्सर लोग ट्रैवल करते हैं, कभी आपने जहाँ पे काम हो रहा हो इसका ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का, ये अक्सर नजर आते हैं हाफ कास्ट। हाफ कास्ट क्या है? जी हाफ कास्ट क्या है जी? हाफ कास्ट प्री स्प्लिटिंग में अक्सर नजर आते हैं। मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं? जी बेटा हाफ कास्ट क्या है? हाफ कास्ट मैंने बताया है कि आपको कि ये जैसे आप एक पूरा ड्रिल होल किया है ना आपने, ठीक है, एक ड्रिलिंग की है आपने 30 फीट तक आपने ड्रिलिंग की है, उस ड्रिल होल का को जो है वो ऑन द सरफेस आधा हिस्सा उसका काट दें गिर जाए आधा आपको नजर आए, या आप जैसे स्ट्रॉ होता है कि आधा स्ट्रॉ आपने उसको सेंटर से काट दिया आधा आपको बॉल के ऊपर नजर आ रहा है, तो ये जहाँ पे ड्रिल होल किए होते हैं उसका जो है वो ये एक कास्ट, एक उसका जो है वो हाफ कास्ट जो होता है वो उसका वो नजर आता है उसको, ठीक है। तो ये वहां से हम अंदाजा लगाते हैं कि आपकी प्री स्प्लिटिंग कैसी हुई है। तो हाफ कास्ट जो है वो उसका जो वहां से, तो इसको आप इसको कहते हैं स्प्लिटिंग इंडेक्स। स्प्लिटिंग इंडेक्स आप याद रखिएगा, स्प्लिटिंग इंडेक्स जो है वो लेंथ ऑफ द हाफ कास्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द होल्ड। क्या है जी स्प्लिटिंग इंडेक्स? क्या है लेंथ ऑफ द हाफ कास्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द होल ड्रिल्ड। लेट से आपने 30 फीट का होल किया, ठीक है, और हाफ कास्ट भी आपने देखा 30 फीट का आ रहा है, तो आपका स्प्लिटिंग इंडेक्स क्या हो गया? 100% हो गया। अगर आपने 30 फीट का किया है उसको ड्रिल होल किया है और जो हाफ कास्ट आपको नजर आ रहे हैं वो 15 फीट तक नजर आ रहे हैं, तो 50% उसका जो है ड्रिलिंग इंडेक्स, तो ये स्प्लिटिंग इंडेक्स। तो ये स्प्लिटिंग इंडेक्स आपकी जो है वो आपको बताता है कि आपका प्री स्प्लिट जो है वो कैसा हुआ है। चलें ये हो गया, अब नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। जी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ब्लास्टिंग, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ब्लास्टिंग क्या होते हैं? हाँ जी क्या होते हैं जी एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ब्लास्टिंग क्या है? जी बोले, देयर आर फोर एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ब्लास्टिंग। नंबर वन फ्लाई रॉक्स, ग्राउंड वाइब्रेशन, ए ब्लास्ट एंड डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, अब ये फ्लाई रॉक्स ये क्या चीज़ हैं? फ्लाई रॉक्स क्या चीज़ हैं और ये कैसे आती हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे ये फ्लाई रॉक्स प्रोड्यूस होती हैं और उसका रिमीडियल मेजर क्या है, तो हाउ यू कैन कंट्रोल द फ्लाई रॉक्स इन अ सर्टेन ब्लास्ट, स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग एट द सरफेस, तो सरफेस के ऊपर आप इसको कैसे इसको कंट्रोल करते हो? ये है क्या फ्लाई रॉक्स क्या है?
जी एनीवन प्लीज। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे तो लगता है कभी मैं कोई लेक्चर कोई सुन ही नहीं रहा मेरा, मैं अकेला ही बोल। हेलो जी, रिकॉर्डिंग इन स्टेमिंग प्रोग्रेस। लेंथ प्रॉपर नहीं है, स्टेमिंग लेंथ प्रॉपर नहीं है, फिर आप कहते हैं कि वो ठीक है, वो प्रॉपर नहीं है, फिर आप कहते हैं स्टेमिंग मटेरियल अच्छा नहीं था। आप जो उसने कन्फाइनमेंट देनी थी वो नहीं सही दी, आपने मटेरियल ऐसा यूज कर लिया कि जो इम्प्रॉपर था। स्टेमिंग मटेरियल पे बात कर सकते हैं आप स्टेमिंग लेंथ पे बात कर सकते हैं। आप जो है वो जियोलॉजी है, जैसे क्रैक्स हैं और ऐसे जो है एरियाज हैं उसमें उसमें जो है वो फॉल्ट जोन है, सोल्यूशन कैविटीज हैं, उन पे बात कर सकते हैं। आप जो है वो सॉफ्ट जो है उसमें रॉक बैंड्स आ गए हैं, उसमें उसमें आपने क्या किया, इम्पीडेंस मैचिंग नहीं की, आपने एक्सप्लोजिव डाल दिया, आपने इनर्ट मटेरियल डालना था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ्लाई रॉक्स को जो है वो जो है इसको जो है प्रोड्यूस करती हैं। अब इन सारी चीज़ों को सही कर लें तो फ्लाई रॉक्स रोके जाएंगे, यही इनकी रेमेडीज हैं भाई। जहाँ पे सॉफ्ट बैंड आ रहा है वहाँ पे आप एक्सप्लोजिव डाल लें, जो जहाँ पे कैविटी आ रही है आप उसका कॉलम नोट करें, आप कैविटी आ रही है तो उसमें इनर्ट मटेरियल डालें, स्टेमिंग जो है वो उस एरिया को अच्छी तरह देख लें, स्टेमिंग मटेरियल देख लें, स्टेमिंग लेंथ देख लें, ये सारी चीज़ें। और दूसरा एक और चीज़, समटाइम जब आप प्राइमर टॉप पे रखते हैं, आप कहते हैं जी कॉलर एरिया से बड़े बोल्डर्स आ रहे हैं, चले प्राइमर को नीचे से उठाएं और टॉप ऑफ द कॉलम रख दें, तो उससे फ्रेगमेंटेशन आपकी चले कॉलर एरिया से तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन उसके साथ एनवायरमेंटल ये जो इफेक्ट्स हैं जैसे कि एयर ब्लास्ट और फ्लाई रॉक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फ्लाई रॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है बहुत सारे फैटल जो है वो चीज़ें रिकॉर्ड हुई हैं, इसमें इंजरी लोग जो है वो डेथ्स भी जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं और सीरियस इंजरीज वगैरह। तो फ्लाई रॉक इज ए पोटेंशियल काज ऑफ डेथ, सीरियस इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज। ग्राउंड वाइब्रेशन एयर ब्लास्ट आर द पोटेंशियल काजेज ऑफ द प्रॉपर्टी डैमेज एंड द ह्यूमन अनोयंस, बट आर वेरी इज अनलाइकली टू काज पर्सनल इंजरी। तो ये इसमें फ्लाई रॉक्स, ग्राउंड वाइब्रेशन, एयर ब्लास्ट आर रिप्रेजेंट द वेस्टेड एक्सप्लोजिव एनर्जी। अब जो एक्सप्लोजिव ने क्या किया, एक्सप्लोजिव ने रॉक को फ्रेगमेंटेशन में चेंज कर दिया। अगर आपने उसको ज्यादा एक्सप्लोजिव उसको प्रॉपर आपने डिजाइन नहीं किया तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है डेट विल बी यूज इन प्रोड्यूसिंग फ्लाई रॉक्स, इन प्रोड्यूसिंग ग्राउंड वाइब्रेशन, इन प्रोड्यूसिंग एयर ब्लास्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर इन द फॉर्म ऑफ द एक्स्ट्रा जो है एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है वो आपके साथ आएंगे। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दीज अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स आर कॉज बाय इम्प्रॉपर ब्लास्ट डिजाइन और लैक ऑफ अटेंशन टू जियोलॉजी। जियोलॉजी नोट नहीं की और एक्सप्लोजिव आपने ऐसा यूज किया। पार्ट ऑफ द एक्सप्लोजिव एनर्जी डेट वॉज इंटेंडेड टू गिव द प्रॉपर अमाउंट ऑफ रॉक फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। सीरियस डस्ट और गैस प्रॉब्लम्स आर सेल्डम कॉज बाय द ब्लास्टिंग एक्सेप्ट इन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में यह मसला होता है कि अगर आप जो है वो टॉक्सिक गैसेज आ गई हैं तो आपने वेट करना आधा घंटा घंटा वेट करना है जब तक वो सारी जो है वो वहाँ से प्रॉपर वेंटिलेट ना हो जाए, डेसिपेट ना हो जाए गैसेज। लेकिन सरफेस पे आप कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर वेट करें, जब वो डेसिपेट हो जाए गैसेज तो यू कैन गो एंड, तो उससे गैसेज का सरफेस के ऊपर इतना मामला नहीं है। लार्जर देन द नॉर्मल अमाउंट ऑफ डस्ट मे बी कॉज बाय ए वायलेंट शॉक। नॉक्सियस गैसेज नॉर्मली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड आर द रिजल्ट्स ऑफ इनएफिशिएंट एक्सप्लोजिव रिएक्शन। ये हम डिटेल के साथ इसको पढ़ चुके हैं। बिकॉज ऑफ द स्पोरेडिक नेचर ब्लास्टिंग नॉट ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये ऐसा कंटिन्यूस कोई नहीं है उसको कभी, ये वो लगातार आपको आ रहे हैं आपके पास ये। व्हेन ब्लास्टिंग इन The vicinity of the structures such as homes, hospitals, schools, and church, pre-blast survey documenting the condition of the structure is often beneficial. A pre-blast survey has a two-fold purpose. First is the increase communications between the community and the mine. तो ये बेसिक सारी ये सारी चीजें हैं, इसको आपने इसको देख लें इसमें।
ए फ्लाई रॉक्स के साथ हमने कहा जी ये ग्राउंड वाइब्रेशन। अब ग्राउंड वाइब्रेशन भी क्या है, ग्राउंड वाइब्रेशंस हम अभी इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं इसको भी। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, आपने ग्राउंड वाइब्रेशन देखें, ग्राउंड वाइब्रेशन को आप जीरो तो नहीं कर सकते लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आफ्टर ऑल जो है एक्सप्लोजिव आप यूज कर रहे हैं और वो स्ट्रेस वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो ग्राउंड वाइब्रेशन तो जनरेट करेंगी, लेकिन इट शुड बी विद इन द लिमिट। वो इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो जो है वो जो आपके ब्लास्टिंग विसिनिटी के अराउंड जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, घर बने हैं, टाउन बने हैं, उसमें वो स्ट्रक्चर्स को डैमेज करें। तो इसमें भी जो है वो फिर आपको जो जो क्या है कि अगर प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है तो एक्स्ट्रा जो आपने जो एक्सप्लोजिव डाला है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, या जो एनर्जी जो कि फ्रेगमेंटेशन में यूज़ होनी थी वो आप इसमें ग्राउंड वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो गई है। तो मोस्टली क्या होता है इसमें, तो जो पुअर डिज़ाइन होता है ब्लास्ट डिज़ाइन या ओवर एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव आप ज़्यादा डाल देते हैं पर डिले उसमें, तो सिमिलर द केस इज़ फॉर द एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट भी इसी तरह ही है, एयर ब्लास्ट भी एक कंप्रेशनल पल्स है। जैसे आपकी ये जो ग्राउंड वाइब्रेशन है इसमें जो कंप्रेशनल वेव मूव करती है और इट डिस्प्लेसेस द पार्टिकल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अब इसमें मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि बेसिकली ब्लास्टिंग, जब ब्लास्ट होल में ब्लास्ट फायर होता है ब्लास्टिंग थ्योरी के हवाले से, तो क्या होता है कि दो तरह के कंपोनेंट जनरेट होते हैं, वन इज क्वेजी स्टैटिक कंपोनेंट एंड अदर इज अ डायनामिक कंपोनेंट। जब भी किसी ब्लास्ट होल में जो एक्सप्लोजिव फायर होगा तो एक जो है वो क्वेजी स्टैटिक है, दूसरा डायनामिक कंपोनेंट है। क्वेजी स्टैटिक इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ द गैस और जो दूसरा है वो डायनामिक कंपोनेंट। वो स्ट्रेस वेव्स क्या करेंगी, जब ब्लास्ट होल से निकलेंगी तो इट विल गो इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन में जाएंगी और जहां पे फ्री फेस मिलेगा वहां से क्या होगी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये कंप्रेशनल वेव्स की फॉर्म में जाएंगी, फ्री फेस से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आएंगी तो इनकी जो है वो हालत जो बदल जाएगी, ये टेंसाइल में चेंज हो जाएगी। और यू नो दैट द रॉक्स आर वेरी वीक अंडर टेंशन देन द कंप्रेशन, और रॉक जो है फिर इस तरह उसमें ये टूट जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, ये कंप्रेशन इसमें टेंसाइल में भी चेंज होती हैं और ये उसमें जो है वो शीयर वेव्स में भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो फ्री फेस पे क्या है, तो जिस एंगल पे पड़ेंगी तो उसमें, अगर तो उसमें ज़्यादा जो है वो आपकी टेंशन जो है वो उसमें टेंशन वाली जो है वो प्रोड्यूस हो रही है टेंसाइल स्ट्रेसेस, तो दे आर मोर आप कहने के भाई उसको रॉक्स को फ्रेगमेंटेशन बनाने में जो है वो असिस्ट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर,
Recording in progress. Excuse me, sir. जी जी सर आप सर ये जो मिड में चैप्टर फोर है सर आप प्लीज मैनुअल को सामने रख के बता देंगे चैप्टर फोर के कौन से करने टॉपिक्स बेटा मेरे लेक्चर में थे आप सर, कौन से वाले लेक्चर में ना हमने ना प्राइमिंग तक किया लोडिंग ने की मेरा मेरे लेक्चर आपने सुने हैं लीड वीडियो लेक्चर्स हैं वो प्रेजेंटेशन जो दी आपको ये इसमें जो है मल्टी पीपीटी उसकी है पावर पॉइंट है कि नहीं मुझे ये बताएं यस सर है तो बस जो करवाया मैंने वो कर ले ठीक है वो आपके लिए गाइडलाइंस है परेशान होने की जरूरत नहीं है जो मैंने नहीं करवाया मैं उसमें से नहीं पूछूंगा ठीक है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सिंपल वो चीज़ें हैं उस पर आप जो मैंने पढ़ाया उसमें आपको अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आती तो आप उसमें से आप पूछ सकते हैं ठीक है तो एक ही वो बार बार वही चीज़ें जो है ना आप रिपीट ना करें उसको मैंने पहले कहा है कि वो ये आपकी गाइडलाइंस हैं ये चैप्टर्स हैं और उसके लिए जो गाइडलाइन है मेरे जो लेक्चर्स हैं वीडियो लेक्चर्स हैं जो पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन है ये सब डिस्कशन हुई है वो आपकी गाइडलाइंस है ठीक है अभी भी परेशानी है कोई नहीं सर ठीक है अच्छा हम बात कर रहे थे इसमें एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पे ठीक है फ्लाई रॉक्स पे हमने बात कर ली इसकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा वो जो आपको ये स्लाइड्स दी जा रही है इसमें सारी डिटेल है उसकी उसको देख लीजिएगा कोई इसमें ऐसी बात नहीं है तो अब हम दूसरी जो है वो ग्राउंड वाइब्रेशन पे डिस्कशन करेंगे कि ग्राउंड वाइब्रेशन क्या होती है अब ये ग्राउंड वाइब्रेशन क्या है वाट आर These ground vibrations, how they are produced or how they can be controlled or they can be monitored and how they can be controlled. तो ये इस पे हमने बात करनी है जी ground vibrations क्या है All blasts create ground vibrations. All blasts create ground vibrations. When an explosive is detonated in a blast hole, it creates a shock wave that crushes the material around the borehole and creates many of the initial cracks needed for fragmentation. So primarily jo hai hamara function jo hai aim ya objective hai to get the fragmentation of the rock. सो अलॉन्ग विद दिस प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव है उसमें उसको हासिल करने के साथ साथ ए लिटल बिट एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन एंड एयर ब्लास्ट तो वो वेस्ट हो जाती है तो यू कांट मेक इट जीरो बट यू विल हैव टू लिमिटाइज इट विद इन द लिमिट उसको आपने कंट्रोल करना है ऑल दिस वेव ट्रेवल्स आउटवर्ड इट becomes as this wave travel outward is becomes a seismic or vibration wave maine abhi aapko baat batayi hai ki jab blast hole mein explosive fire hota hai to stress waves kya hai they travel in all direction aur jahan pe wo dekhti hai ki free phase hai they reflected at the free phase and they come back to the point of initiation shuru mein jab jati hai when they travel towards the free phase their form is compressive wave वो कंप्रेसिव फेज की फॉर्म में होती है बट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्री फेज उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है और उसमें जो है वो टेंसाइल वेव में चेंज हो जाती है
एंड यू नो डेट द रॉक्स आर वीक अंडर टेंशन देन द कंप्रेशन, तो वो फिर उसमें टूट जाती है. लेकिन वो टेंसाइल वेव कितनी प्रोड्यूस होंगी, इट विल डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन द फ्री फेस. जो वेव जो जा रही है कंप्रेसिव वेव किस एंगल पे पड़ रही है उस पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है. तो वो ये है इसमें मामला. तो स्ट्रेस एज द वेव्स पोजेसेस पासिस ए गिवन पीस ऑफ ग्राउंड इट कॉजेस द ग्राउंड टू वाइब्रेट. अब होता क्या है कि जब स्ट्रेस वेव्स गुजरती हैं एक जगह से, अब वो जो रॉक्स हैं उसके पार्टिकल्स जो हैं दे आर मूविंग अंडर नॉर्मल कंडीशन, दे आर मूविंग अबाउट देयर मीन पोजिशन. देयर मोशन इज टू एंड फ्रो, अपनी मीन पोजिशन के अबाउट वो मूव कर रहे होते हैं. लेकिन जैसे इसको कंप्रेसिव पल्स मिलती है, एक प्रेशर पल्स मिलती है, तो वो उसकी जो वाइब्रेशन जो है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है वाइब्रेशन का. तो उससे जो है वो अगर तो ये है कि जब वो पल्स गुजर जाती है और दोबारा जो है पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो ख़राब नहीं हुई. पार्टिकल्स जो है दे विल कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, कम बैक इन द इलास्टिक जो है वो पोजीशन. लेकिन अगर वो पुश वो स्ट्रेस वेव्स वो जो कंप्रेसिव वेव इतनी ज़्यादा है कि वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो जो पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है अबाउट द मेन पोजीशन वो उसको जो है वो क्रॉस कर दे, तो फिर जो है वो उससे वो डैमेज होगा, उसमें वो स्ट्रक्चरल डैमेज आ जाता है. तो इस लिमिट को हमने देखना कि इस लिमिट से बियॉन्ड ना जाए. इस लिमिट को जो है वो 2 इंच पर सेकेंड जो है ओवर द वर्ल्ड इसको जो है डिफाइन किया गया है. तो जो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, ये जो जिसको हम कहते हैं पीक पार्टिकल वेलोसिटी, जिसका अभी भी जिक्र हो रहा था, पीपीवी पीक पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है. तो हम या तो जो है जो वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी मेजर करते हैं या उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन. तो ये जो पीक पार्टिकल वेलोसिटी है ये जिसकी बात करते हैं कि इट शुड नेवर बी मोर देन 2 इंच पर सेकेंड, और 2 इंच पर सेकेंड इससे ज़्यादा हो जाएगी तो फिर स्ट्रक्चरल डैमेज का वो मामला बन जाता है. तो यू शुड हैव टू टेक द रिमीडियल मेजर. तो फिर आपको रिमीडियल मेजर करने चाहिए. रिमीडियल मेजर में क्या है कि एक्सप्लोजिव की अमाउंट कम करो. एक्सप्लोजिव जो आपने डाला है पर डिले इट इज़ मोर, यू नीड टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ द एक्सप्लोजिव पर डिले उसकी अमाउंट जो है उसको आप कम करें, क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं नियर अबाउट उसको तो आप दूर कर नहीं सकते, तो एक्सप्लोजिव को ही आप उसमें उसको कम कर सकते हैं. तो ये डिपेंड, ये लिमिट्स जो है अब ये डिपेंड करता है कि जो बिल्डिंग बनी है वो किस नेचर की है, किस क्या स्ट्रक्चर है, कितनी पे पुरानी है, क्या किस तरह बिहेव करेगी. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 2 इंच वाला ही हो सकता है, कोई बहुत जो है वो डिटोरियोटेड फॉर्म में है, कोई उसमें इतनी वो बहुत पुरानी बनी हुई है बिल्डिंग, तो उसके लिए जो है वो 1 इंच पर सेकेंड जो है वो ही काम कर जाए. तो ये इसमें जो है मामला है. तो इसकी मॉनिटरिंग के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो कौन सा है ग्राउंड वाइब्रेशन की मॉनिटरिंग के लिए? जी, ग्राउंड वाइब्रेशन को हमने मेजर करना है तो कोई इक्विपमेंट तो होना चाहिए ना. कभी नाम सुना है ऐसा? हेलो, आवाज आ रही मेरी? सर साइज़मोग्राफ. वेरी गुड, साइज़मोग्राफ हम लगाते हैं. वेरी गुड. अब साइज़मोग्राफ में आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या है साइज़मोग्राफ. साइज़मोग्राफ क्या करता है? वो वाइब्रेशन मेजर करता है, वाइब्रेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन मेजर करता है और एयर ब्लास्ट को भी मेजर करता है. एयर ब्लास्ट और ग्राउंड वाइब्रेशन को मेजर करता है. और वो आप क्या करते हैं, उसमें एक सेंसर होता है, वो उसको जो है वो जो वाइब्रेशन मेजर करता है ग्राउंड वाइब्रेशन, उसको जो है वो आप फिक्स कर देते हैं ऑन ग्राउंड, और वो जो है वो पार्टिकल मोशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पार्टिकल जो है
रॉक पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं वो थ्री डायमेंशन में जो मूव कर रहे हैं उनकी मोशन को वो नोट करता है। वो मोशन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती है और ट्रांसवर्स और वर्टिकल, तो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन होती है जिसको वो वहां से मॉनिटर कर रहा होता है। तो मैं अभी आपके साथ इधर शेयर करता हूँ, देखता हूँ कि चले कुछ ये आपको फिगर नजर आ रही है, ये साइज़मोग्राफ है। ठीक है, हेलो, अब ये इसमें ये सेंसर लगा है, ये ग्राउंड वाइब्रेशन मेजर करने के लिए एक सेंसर ये इसमें लगा है। अब इसको ये साइज़मोग्राफ के साथ जो है, जो इसमें मॉनिटरिंग जो डिजिटल जो है सारा डिस्प्ले है इसके साथ, अब इसमें जो है वो जो सेंसर लगा है वो पार्टिकल की जो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन उसको रिकॉर्ड करता है, लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल और ट्रांसवर्स, और उसकी जो है वो वेव आ जाती है और उसमें फिर आपकी पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो आप उसकी देख लेते हैं कि क्या है कि तीनों एक्सिस में कौन सी पीक पार्टिकल वेलोसिटी या उसका जो है वो वेक्टर सम आ जाता है। तो ये देखें कि ये पीक पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो सारी जो है वो दे देता है तीनों एक्सिस में, और ये इसका वेक्टर सम जो है वो आपके पास आ जाता है। तो वेक्टर सम आपके पास आ जाता है और आप पीक पार्टिकल वेलोसिटी इस केस में आप देखें कि ये जो है वो इसकी जो है वो 12.656 जो है वो पीक पार्टिकल वेलोसिटी है। तो ये पीक पार्टिकल वेलोसिटी इसमें ये इस तरह आप मेजर कर लेते हैं। और ये साथ में ये आप देख रहे हैं कि ये साउंड के लिए है। ठीक है, ये इको जो है इसकी साउंड मेजर करने के लिए जो है इसको भी ये इसमें जो है वो आपको साउंड लेवल ये बता देता है, इसको भी लगा देते हैं, ये माइक्रोफोन जो है वो लग जाता है इसको ग्राउंड के ऊपर, और दोनों की डायरेक्शन जो है एरो लगा होता है, इस जो डायरेक्शन है इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ब्लास्टिंग साइड, ब्लास्टिंग साइड की तरफ इसकी डायरेक्शन। और जैसे ही ब्लास्ट जो है वो आता है वाइब्रेशन इसको ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देती है, तो इसको हम जियो ट्रिगर पे लगा देते हैं कि जैसे ही वाइब्रेशन आए ये ट्रिगर हो जाए और वो फिर आप इसकी रीडिंग जो है वहां से पढ़ लेते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो आप इसको जो है वो ग्राउंड वाइब्रेशन मॉनिटर करने के लिए आप इसको जो है वो यूज करते हैं। अच्छा, ये इसका हो गया। अच्छा, ग्राउंड वाइब्रेशंस आ गई। ग्राउंड वाइब्रेशंस जो है जब आपने ब्लास्ट किया तो हमने कहा जी कि ग्राउंड वाइब्रेशंस तो प्रोड्यूस होंगी बट यू विल हैव टू लिमिटाइज द ग्राउंड वाइब्रेशन विद इन द लिमिट, और लिमिट में भी हमने बात की है कि 2 इंच पर सेकेंड जो है वो PPV जो है पीक पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो इन ईदर ऑफ द थ्री जो वाइब्रेशन प्लेन है उसमें लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, उसमें किसी में भी एक में भी किसी एक में भी 2 इंच पर सेकंड होना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसा स्ट्रक्चर है जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अगर तो पुराना स्ट्रक्चर है तो वो जो है इवन 0.75 जो है वो कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो वो डिपेंड करता है कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। तो एक तो बात ये हो गई कि ग्राउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, इसको विद इन लिमिट रखना है, और विद इन लिमिट रखने के लिए एक चीज़ जो है बहुत बड़ी हमने जो एक की बॉटम लाइन है कि जो एक्सप्लोजिव चार्ज विद इन द ब्लास्ट होल, एक्सप्लोजिव पर डिले, एक डिले पे कितना एक्सप्लोजिव आप ब्लास्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक डिले पे 100 kg एक्सप्लोड कर रहे हैं और वो जो है वो जो क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है ग्राउंड वाइब्रेशन बढ़ रही है, देन यू विल हैव टू रिड्यूस द एक्सप्लोजिव पर डिले, आपने उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए हमने
तरीके भी पढ़े थे, आपको याद होगा का मैंने कहा था कि आपको वो विद इन द ब्लास्ट होल डेक चार्जेस भी आप यूज कर सकते हैं, और 100 है या 60 है उसको स्प्लिट करके इस तरह ब्लास्ट करें कि एक ब्लास्ट का यानी कि एक एक्सप्लोजिव कॉलम का दूसरे एक्सप्लोजिव कॉलम से जो डिले का डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, वो मैंने बताया था, आप बताएं वो कितना होना चाहिए? 9 मिलीसेकंड। 9 मिलीसेकंड, वेरी गुड, 9 मिलीसेकंड एंड अबव, 9 हो जाए ना या 9 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। अक्सर मैं ये इसको इसमें जो है मल्टीपल क्वेश्चंस में भी पूछ लेता हूँ, एक ब्लास्ट दूसरे से कैसे सेपरेट होगा, तो वो आपको वैल्यूज दी हो तो 9 एंड अबव आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है, अगर 9 से कम है तो फिर वो एक ही ब्लास्ट कंसिडर होगा, उनका क्यूमुलेटिव जो है वो अफेक्ट आएगा। तो ये आपने ये गाइडलाइंस हैं इनकी, इन पे आपने जो है वो ख्याल करना है। और हमने कहा जी कि वाइब्रेशन मॉनिटर करने के लिए वो नीड साइज़मोग्राफ, और ये होता ये है कि जब भी आपने कहीं अपने सीमेंट क्वेरी लगानी है या ब्लास्टिंग का काम करना है तो सबसे पहले आप काम क्या करते हैं, आप सर्वे करते हैं, आप साइज़मोग्राफ के जरिए सर्वे करते हैं और जो पीक पार्टिकल वेलोसिटी है उसकी एटेन्यूएशन देखते हैं कि किस तरह डिस्टेंस के साथ वो डिक्रीज हो रही है, और उससे उस एरिया का एक स्केल्ड डिस्टेंस बनाते हैं। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे ये स्केल्ड डिस्टेंस क्या है, तो एक वैल्यू होती है, हम कहते हैं कि ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये आ जाए या इससे ज़्यादा आ जाए तो आपकी ब्लास्टिंग जो है वो सेफ है, ठीक है, ये डैमेज क्रिएट नहीं करेगी। तो साइज़मोग्राफ्स आर द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बीइंग यूज्ड इन द वर्ल्ड फॉर मॉनिटरिंग द ग्राउंड वाइब्रेशन, और जहाँ पे ग्राउंड वाइब्रेशन जो है वो जो स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है तो फिर ज़्यादातर इकोनॉमिकल ये होता है कि हम स्केल डिस्टेंस जो है वो टेक्निक जो है उसको यूज़ कर लें, स्केल डिस्टेंस टेक्निक को यूज़ करके हम उसको जो है वो जो है वो उसका हल उसका निकाल लें। अब इसमें से जल्दी से गो थ्रू होते हैं फिर आगे चलते हैं उसमें, हम स्केल्ड डिस्टेंस क्या है। अच्छा जी, ये एज द वेव पासिस ए गिवन पीस ऑफ ग्राउंड इट कॉजेस द ग्राउंड टू वाइब्रेट, ये हमने इसको देख लिया। अब द सिचुएशन इज सिमिलर टू सर्कुलर रिपल प्रोड्यूस ऑन द सर्फिस ऑफ ए पूल ऑफ ए कॉम वाटर व्हेन इट इज स्ट्रक बाय अ रॉक, जो जो आप पानी में जो पत्थर फेंकते हैं रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये इसी तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती है। ग्राउंड वाइब्रेशंस आर मेजर्ड विद साइज़मोग्राफ्स, दे आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, साइज ऑफ द वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी मेजर करने या साइज ऑफ एम्पलीट्यूड, जैसे हमने पीक पार्टिकल वेलोसिटी जो है मेजर की है, ठीक है। तो ये दो इन ब्लास्टिंग एम्पलीट्यूड इज यूजली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इंचेस पर सेकेंड या मिलीमीटर पर सेकेंड, एंड फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज या साइकल्स पर सेकेंड। Excessively high ground vibration levels can damage structures. Even moderate to low level of ground vibration can irritate to neighbors and can cause legal claims of damage or nuisance. लोग जो है देखें, आप कुछ भी ना कर रहा हो, डैमेज भी ना हो रहा हो, तो आप बैठे हैं घर में और ऐसे एयर ब्लास्ट आया तो उससे न्यूसेंस तो क्रिएट होगी, लोग फिर पे चले जाते हैं कोर्ट में चले जाते हैं और फिर वो लीगल जो है उसके जो कंपनी है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं, उससे कंपनी का काम स्टॉप हो जाता है, कई दफ़ा उनको पेनल्टीज भी देनी पड़ती हैं। तो ये जो है बड़ा ही अहम चीज़ है कि जब भी आपने काम करना है तो उसे एक प्रॉपर सर्वे करके उसका लेवल मेजर कर लिया जाए, फिर जो अराउंड लोग रह रहे हैं उनसे बात की जाए, कम्युनिकेशन की जाए और उनको एतमाद में लिया जाए ताकि आपका काम जो है सही चले। One of the best protection against claim is good public relations. While striving to minimize ground vibration, the blaster of the company should inform residents of the need for and for the importance of the blasting and the relative harmlessness of the property control. So, communication jo hai wo zaruri hai unke saath. जो है वो प्रॉम्प्ट एंड द सिंसियर रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट्स इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कंप्लेंट्स आई हैं तो सीरियसली उसको जो है वो आप उसको उसको करें, उसकी रेमेडी करें।
excessive ground vibrations are caused either by pulling too much explosive energy into the ground or by not properly designed या poorly designed shot. दो चीजें हो गई, एक तो explosive आपने ज्यादा डाल दिया, वो भी इन डिजाइन का पार्ट ही है, और दूसरा आपने इसको प्रॉपर डिजाइन नहीं किया. प्रॉपर डिजाइन में कैसे, मतलब ग्राउंड वाइब्रेशन में कौन सा एलिमेंट है जो आप खराब करेंगे तो ग्राउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो. शाबाश, बताएं जरा. स्टेमिंग नहीं बेटा, उसमें आप बर्डन रख देंगे. ठीक है, बर्डन आपने ज्यादा रख दिया जो आपका डिजाइंड था. अब वो बर्डन को फ्रेगमेंट्स में तो चेंज कर नहीं रहा, जो एक्सप्लोजिव था वो क्या होगा, फिर वो जो है एनर्जी विल गो बैक एंड इट विल गो बैक एंड इट विल टेक द फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन. फ्रेगमेंट नहीं होगी, फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी, एक स्वीयर से ग्राउंड वाइब्रेशन आपको फील होगी. तो ग्राउंड वाइब्रेशन जो बर्डन इंक्रीज कर जाए, उसमें स्पेसिंग आपने इंक्रीज कर दी है आपने. और हमने ये भी पढ़ा था कि जब बैक ब्रेक्स आते हैं, जब मल्टीपल रोज में आप फायरिंग करते हैं, तो लास्ट रो के जो अगर आपने डिले प्रॉपर नहीं दिया, कॉर्नर पे मल्टीपल रोज के जो कॉर्नर है, बॉक्स कट है, उस पे आपने डिले प्रॉपर नहीं दिया, मल्टीपल रोज में डिलेज आपने प्रॉपर नहीं दिए, तो इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन. तो ये सारी चीजें हैं, आगे जाके इसको हम देखेंगे. पढ़ा जी, डेट इज नॉट यूटिलाइज इन फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्प्लेसिंग विल गो इन टू द ग्राउंड वाइब्रेशन. तो ये ग्राउंड वाइब्रेशन में सारी जो है वो तो फिर इसमें क्या है, वाइब्रेशन लेवल एट द स्पेसिफिकेशन इज प्राइमरीली डिटरमिन बाय द मैक्सिमम वेट ऑफ एक्सप्लोजिव दैट इज यूज इन एनी सिंगल डिले पीरियड इन द ब्लास्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ द लोकेशन फ्रॉम द ब्लास्ट. द लॉन्गर द इंटरवल्स आर बिटवीन डिलेज द बेटर द सेपरेशन बिटवीन द इंडियन ब्लास्ट. अब एक रो का या एक ब्लास्ट का दूसरे से डिले पीरियड ज्यादा होना बहुत जरूरी है. वो हमने डिसाइड किया कितना, 9 एंड अबव, उससे ज्यादा हो तो वो उनका जो वाइब्रेशन उनका इकट्ठा इफेक्ट नहीं होता, क्यूमुलेटिव इफेक्ट उनका नहीं होता. तो ये आपने ख्याल रखना है. तो ये बात इधर भी ये देखें, इसको पढ़ लीजिएगा कि इसमें जो है वो जो गाइडलाइन है 9 and 8 or 9 मिली सेकेंड एज द मिनिमम डिले डेट कैन बी यूज बिटवीन द चार्जेज इफ दे आर टू बी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट चार्जेज फॉर वाइब्रेशन परपजेज. तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, छोटे ब्लास्ट में ये मामला नहीं होता, लेकिन बड़े ब्लास्ट में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो ये सारी इसकी डिटेल जो है वो इसको इंस्टॉलेशन और ये सारा इसको आप इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा. वो सारी चीज़ें हैं मैंने जो आपको बताई हैं. तो पीक पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो उसको मेजर करना, उसको विद इन लिमिट रखना जो है वो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. और उसके लिए जो हम इसमें यूज़ करते हैं टेक्निक, एक वो है वो स्केल्ड डिस्टेंस की. तो ये स्केल्ड डिस्टेंस ग्राउंड वाइब्रेशंस जो है वो, वे वाइब्रेशंस आर नॉट ए सीरियस प्रॉब्लम, रेगुलेशंस विल ऑफन परमिट द ब्लास्टर टू यूज द स्केल्ड डिस्टेंस इक्वेशन रादर देन मेजरिंग द वाइब्रेशंस विद द साइज्मोग्राफ. तो जहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं काफ़ी दूर हैं, तो हम जो लोग हैं इन द जो है ब्लास्टिंग फैक्ट्रीज में, वो अपनी जो है वो सेविंग करते हैं, बजाय कि वो मॉनिटरिंग के लिए साइज्मोग्राफ लगाएं और मॉनिटर करें, वहाँ पे हम स्केल डिस्टेंस इक्वेशन ही यूज कर लेते हैं. अब स्केल्ड डिस्टेंस इक्वेशन क्या है, स्केल्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू डी ओवर स्केयर रूट ऑफ चार्ज. ये 1/2 है, स्केयर रूट है, ये इसका अंडर रूट ऑफ चार्ज है दिस वन. ये बच्चों से टाइप वन ऑफ द स्टूडेंट, तो उसने ये इस तरह किया. तो ये डी बाय स्केयर रूट ऑफ द चार्ज. डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ब्लास्ट टू द स्ट्रक्चर इन फीट, फीट में. और ये जो है ये क्या है, वे डब्ल्यू इज द मैक्सिमम चार्ज ऑफ द वेट ऑफ एक्सप्लोजिव इन पाउंड्स पर डिले. पाउंड्स पर डिले, ये पाउंड्स पर डिले है कि एक डिले में मैक्सिमम कितना चार्ज यूज कर रहे हैं. सारे बेंच में चाहे जितना मर्जी यूज कर रहे हो, लेकिन एक डिले में कितना यूज कर रहे हैं.
जैसे हम कहते हैं डिले लगा दी पहली 25 मिली सेकेंड, फिर 50 आली, तो 25 में कितना यूज कर रहे हैं आप, एक डिले में कितना यूज कर रहे हैं, तो ये स्केल्ड डिस्टेंस, जैसे अमेरिका में यूज करते हैं स्केल्ड डिस्टेंस 50 का, स्केल डिस्टेंस क्या होता है 50, तो आप फिर जो है वो 50 स्केल डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस डालते हैं जिस पे आपने मॉनिटर करना है, तो यहाँ से आप चार्ज निकाल लेते हैं कि यह इतने डिस्टेंस पे कितना चार्ज होना चाहिए। द स्केल डिस्टेंस परमिटेड डिपेंड्स अपॉन द अलाउबल वाइब्रेशन लेवल। फॉर इंस्टेंस ये जो बुलेटिन कहता है जी, सेज दैट अ स्केल डिस्टेंस ऑफ 50 और ग्रेटर विल बी विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वाइब्रेशंस ग्रेटर देन 2 इंच पर सेकेंड। ठीक है, तो फिर देयरफॉर एट द डिस्टेंस ऑफ 500 फीट, 500 फीट पर निकालें, अगर आपके पास कैलकुलेटर है प्लीज उसको कैलकुलेट करें, 500 फीट पे क्या आएगा, अगर स्केल डिस्टेंस जो है वो ये आपने कहा जी 50 है, फर्ज करें कि आपने कहा जी इस एरिया का स्केल डिस्टेंस जो है वो 50 है और हमने कहा निकालना है 500, तो 500 फीट ऊपर रखेगा और 50 यहाँ पे रखे और इसकी चार्ज की अमाउंट निकालने, अभी निकाल के दे मुझे जरा जल्दी करें शाहबाज, कैलकुलेटर है आपके पास, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपने जो है वो स्केल डिस्टेंस निकालना है, स्केल डिस्टेंस की वैल्यू जो 50 है, डिस्टेंस जो है 500 है, तो उस पे चार्ज की अमाउंट निकालनी है जी, निकाले हेलो जी बेटा बता तो दो जी, इसको कैलकुलेट करें जरा, डिस्टेंस 500 बताया, डिस्टेंस 500 आ जाएगा, स्केल डिस्टेंस जो है वो 50 आ गया आपका, स्केल डिस्टेंस क्या आ गया, ये इधर 50 लिखेंगे, ये इसका स्केयर रूट है, स्केयर रूट ऑफ चार्ज, स्केयर रूट ऑफ चार्ज, डिस्टेंस 500 है, ये 50 है और ये स्केयर रूट ऑफ चार्ज है, इसको निकालने आप कितना आता है जी, कोई और बेटा बाकी भी देखे, 100 बन जाएगा इस तरह, अगर ये चार्ज का स्केयर रूट है तो आंसर 100 ठीक है, 100 बिल्कुल, ये देखे, देयरफॉर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 100 पाउंड ऑफ एक्सप्लोसिव कुड बी फायर्ड। ठीक है, और 1000 फीट पे कितना हो जाएगा, 1000 फीट पे आप निकाल लें, इसी तरह 1000 पे निकाल लें, आपने 50 लेफ्ट साइड पे रखना, स्केल डिस्टेंस तो 50 है, आप जो डिस्टेंस है उसको 1000 कर दें और फिर चार्ज निकालें, उसका स्केयर रूट लें चार्ज का और चार्ज की वैल्यू निकालें, वो क्या है, शुड बी 400, ये देखें ये 400 आ जाएगी, तो 1500 पे कितना है, तो ये आपको अलाउबल चार्ज दे देता है अगर आपने किसी एरिया का स्केल डिस्टेंस डिफाइन किया हो, तो किसी एरिया का स्केल्ड डिस्टेंस हमने डिफाइन किया, तो अमेरिका में अक्सर जो है वो स्केल डिस्टेंस जो है उनकी जियोलॉजी के हिसाब से उनका स्केल डिस्टेंस जो है वो 50 यूज करते हैं, तो 50 पे आप निकाल लें कि जिस जो आपका जो है पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि वाइब्रेशन इससे ज़्यादा ना आए, तो वहाँ पे चार्ज आप निकाल लें पर डिले क्या है, तो वो आपको एक सेफ चार्ज निकाल देगा, इसका मतलब है कि 400 से नीचे तो आप इसको पाउंड से कम तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं इसको कर सकते, तो ये इसको करिएगा अच्छी तरह याद, इसको अच्छी तरह जो है वो इसी तरह जो है वो जो रेगुलेशन जो है स्पेसिफाइड स्केल डिस्टेंस ऑफ 60 और ग्रेटर टू प्रोटेक्ट, तो 1 इंच पर सेकेंड में अगर करना हो, गिविंग ए डिस्टेंस वेट कम्बिनेशन ऑफ 600 फीट एंड उस पे जो है वो 100 पाउंड, तो 1200 फीट एंड 400 पाउंड 1800 फीट एंड, तो ये यू कैन कैलकुलेट 60 पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 60 पे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
ये जो अप्रोच जो है वो एक अच्छी अप्रोच है, इकोनॉमिकल अप्रोच है। जब बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव एरिए आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज़ द स्केल डिस्टेंस टेक्निक। ठीक है, तो आप स्केल डिस्टेंस में ये एक जो है वो ये कैलकुलेशंस है, मैं आपको एक जो है वो एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है जो आपने करना है वो आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल करिएगा, ये एग्जांपल स्क्रीन पे शो हो रही है आपको? हेलो, यस सर। अब इसको करें मेरे साथ, इसको मेरे साथ आप ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। अज्यूम ए रेगुलेटरी स्टैट्यूट स्केल डिस्टेंस इज 60s, स्केल डिस्टेंस क्या है उसकी वैल्यू 60 है। ठीक है, ए स्ट्रिप माइन नॉर्मली यूजेस ए चार्ज ऑफ 600 पाउंड पर डिले। कितना चार्ज एक माइन यूज कर रही है? 1600 पाउंड पर डिले यूज कर रही है। ए न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट इज स्टार्टिंग एट 2200 फीट। इज स्ट्रिप माइन इन कंप्लायंस? इज इट इन कंप्लायंस with this scale distance, what charge will bring the strip mine in compliance? ये question जो है वो अगर आपको दिया जाए तो इसको कैसे करेंगे कि ये scale distance 60 है और आप ये देखें कि ये जो आप use कर रही है strip mine normally uses a charge of 1600 pound per delay। ठीक है, तो ये जो देखें कि ये सही कर रही है कि नहीं, पहले ये देखें। हेलो सर, एक मिनट। क्या आ रहा है, चार्ज क्या निकाल रहे हैं? 1344 तो ये कंप्लायंस नहीं है, तो फिर इसको कंप्लायंस में लाने के लिए क्या करेंगे आप? तो स्केल डिस्टेंस कम करेंगे। आप इस पे ना आप 60 की वैल्यू रखें और साथ इतने डिस्टेंस रखें और चार्ज की वैल्यू निकालने के, चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, जी क्या आती है? जी
हेलो सर, कंप्लायंस बनाने के लिए आपने क्या कहा था दोबारा बता दें। देखिए भाई, स्केल डिस्टेंस आपका 60 है, ठीक है, स्केल डिस्टेंस 60 है, तो अगर आपने 2200 फीट पे आपने ब्लास्टिंग करनी है तो चार्ज की माउंट निकालने के क्या वो उसमें क्या होगी, बात फॉलो कर लेंगे नहीं आप। वो आ रही क्या आ रही थी 1344, ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 1600 यूज कर रहे हैं, तो 1600 के साथ नॉन कंप्लायंस है, तो अगर वो इतना चार्ज यूज करेंगे तो इस उसमें जो है फिर वो उसको कंप्लाई करेंगे जो 60 जो है उसका स्केल डिस्टेंस है, और ये जो उन्होंने दिया है सारा जो उसने 1600 दिया, 1600 की वैल्यू लिखे, 60 लिखे तो इससे डिस्टेंस निकाल लें तो ये आपका डिस्टेंस 2200 से ज़्यादा आएगा, कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो फिर तो ये ठीक है, ये राउंड अबाउट 2400 समथिंग आएगा, तो उस डिस्टेंस के लिए तो सही है, लेकिन जो है इस डिस्टेंस के लिए ये एक्सप्लोजिव जो है वो ज़्यादा है, तो एक्सप्लोजिव को जो है या उसको माइंड को जो है वो जो स्टैट्यूट्स हैं उसके कंप्लाई करने के लिए उसे यू नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव, और वो आप कितनी बता रहे हैं 1344 पाउंड, तो ये इस तरह, ये इस तरह, ये देखें यूजिंग ए स्केल डिस्टेंस ऑफ 50 कैलकुलेट द परमिसिबल सेफ चार्ज फॉर कैलकुलेटिंग ए डिस्टेंस, तो ये सिंपल चीज़ें हैं, आप स्केल डिस्टेंस इक्वेशन में ये डालेंगे और आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें कोई चीज़ ना समझ आई होगा, टाइम खत्म होने वाला है इसके बाद वाले सेशन में। सर, डिस्टेंस बढ़ाने के बजाय अगर स्केल डिस्टेंस कम कर दें तो वो ठीक नहीं रहेगा? स्केल डिस्टेंस नहीं कम कर सकते, वो तो एक आपने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के मुताबिक उसको फिक्स किया, उसमें समझ आ गया है ग्राउंड वाइब्रेशंस का, ग्राउंड वाइब्रेशंस, अच्छा कुछ चीजें उसमें रह गई हैं उस पे डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ जी, कि ग्राउंड वाइब्रेशंस जो है वो उनकी कॉजेज कौन से हैं और रेमेडी क्या है, इस पे अब हम जल्दी से इस पे देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रोबेबल काजेज ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन क्यों प्रोड्यूस होती है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि बर्डन जो है वो ज़्यादा है, बर्डन जो है वो उसमें आपने बर्डन ज़्यादा रखा है तो उससे भी ये जो है वो ये प्रोड्यूस हो सकती है, तो और क्या हो सकता है उसमें, ग्राउंड वाइब्रेशंस के हवाले से और जी बताएं आप जल्दी से, जी बताएं ग्राउंड वाइब्रेशंस के कॉजेस कौन से, हमने बात की है अभी, अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन या फिर अर्थक्वेक भी हो सकते हैं ना बेटा, वो तो ठीक है लेकिन हम अपने ब्लास्ट के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो हमने ब्लास्ट डिजाइन किया है उसके हवाले से जो है हम उसमें बात कर रहे हैं कि वो जो ब्लास्ट डिजाइन में हमने क्या क्या कॉजेज हैं जो कि ग्राउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया है कि आप जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा रख लिया है, जो अब डिज़ाइन बर्डन से बहुत ज़्यादा, और क्या है भाई, ऑब्वियसली बात है कि आपने एक्सप्लोजिव ज़्यादा चार्ज कर दिया पर्ड ले उससे भी ग्राउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, और मैंने और भी बात बताई थी आपको, और क्या था जी, डिलेज के हवाले से बात की थी, उस पर तो थोड़ा बता दें मुझे, डिस्कशन करें जी, डिलेज के हवाले से कैसे ग्राउंड वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जी बताएं, अगर डिले टाइम 9 मिलीसेकंड से कम होगा जी ना, एक तो वो तो हो गया ना, ठीक है, वो आपने जो है एक ब्लास्ट होल फायर हो रहा है, दूसरा उसका 9 एंड अबव होना चाहिए, दूसरा हमने ये भी कहा था कि जो है वो अगर आप मल्टीपल रोज में आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं
ठीक है, मल्टीपल रोज में ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें अक्सर जो लास्ट रोज है उसमें प्रॉब्लम आता है, तो लास्ट रो का क्या करें, डिले बढ़ा दें, ठीक है। ये देखें अब इसमें इसको अगर पढ़ लेते हैं, द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस ग्राउंड वाइब्रेशन, रिड्यूस द चार्ज वेट ऑफ द एक्सप्लोसिव पर डिले, ज्यादा चार्ज आप डाल रहे थे पर डिले उसको रिड्यूस कर दें, ठीक है। दिस इज मोस्ट इजीली डन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ब्लास्ट होल्स फायर्ड ऑन ईच डिले, आप साइमल्टेनियसली वो तीन चार होल्स को कर रहे थे तो नंबर ऑफ होल्स उसमें कम कर दें। इफ देयर आर नॉट एनफ डिले पीरियड्स अवेलेबल, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग ए सिक्वेंशियल टाइमिंग, सिक्वेंशियल टाइमिंग मशीन है जिससे हम ये डिले दे सकते हैं। द मैन्युफैक्चरर शुड बी कंसल्टेड फॉर एडवाइस व्हेन यूजिंग द सिक्वेंशियल टाइमिंग, तो इफ द ब्लास्ट ऑलरेडी एम्प्लॉयज ओनली वन ब्लास्ट होल डिले स्मॉलर डायमीटर ब्लास्ट होल्स ए लोअर बेंच हाइट कैन बी, तो ये आपने करना है एक्सप्लोजिव की अमाउंट कम करनी है पर डिले, ये पहली बात होगी। दूसरी क्या है कि ओवरली कन्फाइंड चार्जेस सच एज दोज हैविंग टू मच बर्डन और टू मच सब डिलिंग शुड बी अवॉइडेड, ये आपको याद होगा कि हमने कहा था कि अगर आप सब डिलिंग कर रहे हैं इट शुड नेवर बी मोर देन 50% ऑफ द बर्डन, 50% ऑफ द बर्डन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी सब डिलिंग करेंगे उसमें एक्सप्लोजिव भी पड़ेगा जाहिर है, तो वो जब एक्सप्लोड करेगा तो एक तो वो ग्राउंड के ऊपर क्रैक्स आएंगे, वो नेक्स्ट ब्लास्ट के लिए जो है ड्रिलिंग करना प्रॉब्लम हो जाएगी, और दूसरा वो ग्राउंड वाइब्रेशन है। तो हमने ये भी कहा था कि भाई जो प्राइमर आप रख रहे हैं तो लेवल पे उसको जो है वो उठा के बेंच हाइट पे रखें, तो लेवल से उठा के बेंच हाइट पे, तो ओवरली कंफाइंड जो चार्जेस है वो उनको जो है वो उससे अवॉइड करें। द प्राइमर शुड बी प्लेस इन द सब ड्रिलिंग, ठीक है, शुड नॉट बी प्लेस इन द सब ड्रिलिंग बट के उसको जो है वो आप टो लेवल उस पर बेंच हाइट पे रखें। वेयर एवर इट अपीयर्स दैट द लेटर ऑफ द ब्लास्ट होल्स विल हैव इन एडिक्वेट रिलीफ ए डिले पीरियड शुड बी स्किप बिटवीन द रोज, ये हमने कई दफा कहा कि लास्ट रो में से एक डिले स्किप कर दो, अगर 50-50 की है तो आप लास्ट रो का 50 मिली सेकेंड डिले है और लास्ट का 100 होना था तो 100 वाला डिले करके उसको स्किप करके उसको 150 कर दें, तो ये सारी चीजें जो है बहुत जरूरी है, ये पता होनी चाहिए। Then the following techniques can be used to reduce ground vibration, the length of the delay between charges can be increased, लेंथ को इंक्रीज कर दो 9 एंड अबव, उससे जितना अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको और इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपने इनकॉर्पोरेट करनी है उसको ब्लास्ट को। द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस ग्राउंड वाइब्रेशन, इफ डिले इन ए रो आर अरेंज इन ए सीक्वेंस द लॉस डिले शुड बी प्लेस इन द होल नियरेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंसर्न, इन अदर वर्ड्स द शॉर्ट शुड बी प्रोपेगेटेड इन द डायरेक्ट डायरेक्शन अवे फ्रॉम द स्ट्रक्चर, तो जो आपका जो लॉस जो आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ कंसर्न है उससे अवे आपने जो लॉस्ट जो है डिले उस तरफ रखनी है और उससे अवे जो है वो डिले इंक्रीज करनी है, तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसी तरह द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू रिड्यूस ग्राउंड वाइब्रेशन, द पब्लिक जो है वो परसेप्शंस ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन कैन बी रिड्यूस, तो वो ये है कि उसमें आप क्या करें जो ब्लास्टिंग करनी है वो हाई एक्टिविटी वाले टाइम पे आप करें, ठीक है, जब स्कूल्स जो है उनको जो है वो एक्टिविटी वो भी कर रहे हैं, तो अगर आप इस टाइम में करेंगे जब वो बहुत साइलेंस है तो उस वक्त जो है वो मामला जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो वो जो ब्लास्टिंग है एक्टिविटी सच एज नून और शॉर्टली आफ्टर द स्कूल हैज़ बीन डिसमिस्ड, ब्लास्टिंग ड्यूरिंग टिपिकल क्वाइट पीरियड शुड बी अवॉइडेड, तो ये सारी वो चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये इसके साथ इसका मामला हो गया, अब हम एयर ब्लास्ट उसको शुरू करते हैं। एयर ब्लास्ट क्या है, एयर ब्लास्ट पे आप बताएं मुझे व्हाट इज एयर ब्लास्ट, हाँ जी एयर ब्लास्ट क्या चीज है।
when a blast is fired, it frequently is accompanied by a loud, ये loud नहीं है, LOUD, loud noise called air blast. तो वो जो है वो एक जो sound जो noise आती है वो जो है वो that is air blast. It is an atmospheric pressure wave similar to compressional P wave observed in the ground stress waves, consisting of high frequency sound that is audible and low frequency sound which is subaudible or unaudible and called concussion. ठीक है, तो दोनों जो है either or both of the sound waves can cause damage if the sound pressure is high enough. Air blast generally is an annoyance problem, does not cause damage, but may result in confrontation between operator and those affected. तो ये एक झगड़े का बायस बनती है कि कुछ भी ना करे तो annoyance करिए तो जरूर करती है. Air blast is a transient pulse that travels through the atmosphere. तो ये भी इसी तरह ही है. देखिए एयर क्या है, एयर में जो है वो इट हैज मास पार्टिकल्स है, दे आर मूविंग जो है अबाउट देयर पोजिशन, आप वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, वो नॉर्मल हालत में जो है वो, तो जैसे भी कोई प्रेशर पल्स आएगी तो वो उसकी जो है वो उसको पुश करेगी, उसकी मॉलिक्यूलर्स की जो मोमेंट को इन्हांस करेगी एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू द एयर ब्लास्ट. कोई भी चीज़ जो है जब मूव करेगी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड इट विल कंट्रीब्यूट टू द एयर ब्लास्ट. तो वो जो है वो इसी तरह मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होता है, वो प्रेशर पल से पार्टिकल टू पार्टिकल, मालिक्यूल टू मालिक्यूल जो है वो प्रेशर पल, जैसे कि जो है आपने देखा है कि ग्राउंड वाइब्रेशन में, तो इसमें भी इसी तरह ही मोमेंटम जो है वो इसमें शिफ्ट होता है. लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं जो ख्याल रखनी है जो एयर ब्लास्ट को बढ़ा देती हैं. वन इज़ द टम्परेचर जो है वो क्या है, ठीक है, और दूसरा जो है वो उसका विंड वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड वेलोसिटी क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, टेम्परेचर क्या है. तो आपने टाइम ऑफ ब्लास्टिंग का भी ख्याल रखना है और विंड का भी ख्याल करना है, क्योंकि ये अगर आप इसमें एहतियात नहीं बरतेंगे तो एयर ब्लास्ट में भी मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स, और हो सकता है कि अगर आप जो एयर ब्लास्ट जो है वो इज अपोजिट टू द जो है एयर डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन, तो इट विल बी टोटली ब्लोन अवे, बिल्कुल वैनिश हो जाए. तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखना आपने इसको सारा जो है ना. एयर ब्लास्ट जो है सिमिलर वैसे ही है जैसे कि आप उसमें आप देखते हैं ग्राउंड वाइब्रेशन में, तो ये भी उसी तरह जो है मोमेंटम जो है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो है वो शिफ्ट होता है, और ये इंक्रीज कब होता है, मैंने बताया कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करता है या विंड वेलोसिटी जो है वो फेवर करती है एयर ब्लास्ट को, तो ये तब ये सारा मामला जो होता है. ठीक है, मच ऑफ द एयर ब्लास्ट प्रोड्यूस बाई ब्लास्टिंग हैज ए फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज एंड कैन नॉट बी हियर्ड इफेक्टिवली बाय द ह्यूमन ईयर. ओवर All the air blasts, both audible and inaudible, can cause structure to vibrate in much same way as the ground vibration. Air blast is measured with special gauges, pressures, hold kariyega ek minute. जी अब इसमें जो है वो देखें, जिस तरह आप एयर ब्लास्ट से उसका ग्राउंड वाइब्रेशन का हम कहते हैं कि इसको जो है वो उसका एक आपके पास एक फार्मूला है कि उसका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ चार्ज, उसमें स्केयर रूट लेते हैं. इसमें जो है इसी तरह जो है इसको भी आप जो है जो एयर ब्लास्ट है इसका भी एक स्केल्ड डिस्टेंस है. ठीक है,
एयर ब्लास्ट का भी स्केल डिस्टेंस है, अरे इट इज स्केल्ड अकॉर्डिंग टू क्यूब रूट ऑफ द चार्ज। इसमें फर्क ये है कि ये क्यूब रूट ऑफ द चार्ज के हिसाब से इसको हम जो है वो स्केल्ड करते हैं। और मैं अक्सर पूछता हूँ कि उसको स्केयर रूट और इसको क्यूब रूट से क्यों करते हैं, तो इसको जरा सोचिएगा, बताइएगा कि भाई इसमें क्यूब रूट जो है वो क्यों लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये रीजंस ऑफ पोटेंशियल डैमेज फॉर द एयर ब्लास्ट। अच्छा, एयर ब्लास्ट जब इसमें आप फायर करते हैं और इसमें क्या होता है कि जब एयर ब्लास्ट तो टू एरियाज जो है वो उसमें पोटेंशियल डैमेज हो सकता है। वन इज द नियर फील्ड एंड द अदर इज द फार फील्ड। नियर फील्ड क्या है, आपने ब्लास्ट किया है और आप जो ब्लास्ट था प्रॉपरली डिजाइंड नहीं था, उसकी स्टेमिंग प्रॉपर नहीं थी, उसका जो है वो चार्जेस डिलेज वगैरह आपने प्रॉपर नहीं किए थे, डेटोनेटिंग पॉड जो है वो उसको प्रॉपर कवर नहीं किया, तो उससे वो नियर फील्ड में ये सारा मामला हो जाता है। तो ये जो जो है वो इसको ये फोकस हो जाता है नियर फील्ड में एयर ब्लास्ट। इसके अलावा फार फील्ड में भी ये जो है वो फोकस हो जाता है अप टू 4 to 20 miles। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये कैसे। हमने कहा जी कि जो पोटेंशियल जो डैमेज है वो नियर फील्ड में भी होता है और फार फील्ड। नियर फील्ड को हमने कहा जी जहाँ पे आप ब्लास्ट कर रहे हैं उसकी नियर विसिनिटी में ये फोकसिंग हो गई है एयर ब्लास्ट की, और उसकी वजह बेसिकली प्राइमरीली क्या है कि आपका डिज़ाइन जो था वो प्रॉपर नहीं था। डिज़ाइन में बेशुमार वेरिएबल है, उसमें आपने डेटोनेटिंग कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं, डिलेज और स्टेमिंग ये वो सारी जो है वो उसको इम्प्रॉपरली आपने इनकॉर्पोरेट की। लेकिन अगर ये अगर आपका डिज़ाइन बिल्कुल सही भी है और फिर भी एयर ब्लास्ट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बहुत सीवियर एयर ब्लास्ट होता है वो फार फील्ड में, उसको ज़रा समझ लें। फार फील्ड में कैसे होता है कि ये एयर ब्लास्ट जो है कैन फोकस अप टू 4 to 20 miles। जहाँ पे आपने ब्लास्ट किया है तो ये अप टू 20 miles दूर जाके भी ये फोकस हो के एक सीवियर किस्म का एयर ब्लास्ट जो है वो कर सकता है। अब वो समझ लें कि वो क्या है। वो ये है कि नॉर्मल जब टेम्परेचर होता है तो नॉर्मल टेम्परेचर में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है अर्थ का, जैसे जैसे आप जो है वो जो डिस्टेंस बढ़ता जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वो टेम्परेचर जो है वो एटमोसफेयर का क्या करता है, डिक्रीज करता है नॉर्मली। तो जब आप नॉर्मल कंडीशंस में ब्लास्ट करते हैं तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो जो प्रेशर पल्स जाती है इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो जब डेंसर एटमोसफेयर में ऊपर जाती है तो वहाँ पर वो डेसीपेट हो जाती है, इट विल बी कर्व्ड अपवर्ड। लेकिन सम टाइम ये होता है कि जब टेम्परेचर इन्वर्जन हो, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है कि जब ये फिनोमेना रिवर्स हो जाए, यानी कि नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो टेम्परेचर कम है और जैसे जैसे आप हाइट गेन कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगर ऐसा मामला हो जाए टेम्परेचर इन्वर्जन वाला और उस टेम्परेचर इन्वर्जन में आप जो है वो ब्लास्ट करें, तो फिर क्या होता है कि जो है जो जो प्रेशर पल्स है वो ऊपर की तरफ जाती है और जैसे जैसे ऊपर जाती है टेम्परेचर रेज कर रहा है, तो टेम्परेचर रेज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है और वेलोसिटी इंक्रीज करने से जो है दे विल बी कर्व्ड बैक, वो दोबारा तेजी के साथ कर्व बैक करते हैं और दे मे फोकस जो है वो एट 4 to 20 miles के ही किसी भी जगह पे वो कंसंट्रेट होके एक बड़ा एक सीवियर किस्म का एयर ब्लास्ट कर सकते हैं। अब जिस डायरेक्शन में एयर ब्लास्ट गया, अगर विंड वेलोसिटी भी उस साइड पे है तो वो जो है वो उसको वो मल्टीप्लाई कर देगी, जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी 4 many times हो जाएगी। तो अगर विंड वेलोसिटी उसके ऑपोजिट है तो उसका जो है वो मैग्नीट्यूड उसको कम भी कर देगी और टोटली उसको ख़त्म भी कर देगी। तो ये आपने इसमें ख्याल रखना है कि टू इसमें रीजन्स हैं दे आर ऑफ पोटेंशियल डैमेज। वन इज नियर फील्ड, नियर फील्ड में तो ब्लास्टिंग डिज़ाइन की वजह से जो सारे मामला आ रहे हैं, और फार फील्ड में अगर आपका ब्लास्टिंग डिज़ाइन ठीक भी है और अगर अगर ख़राब है तो ज़ाहिर है कि वो उसमें तो वो मैनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो उसमें अगर ख़राब है, स्पेशली जब ख़राब है तो फिर जो है वो टेम्परेचर इन्वर्जन भी है और टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो उसको फोकस कर देगा जो है वो फार फील्ड में, और इट कैन बी
डैमेज, तो ये इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये नियर फील्ड का तो हमने इसको देख लिया कि ये नियर फील्ड में इसकी फोकसिंग कैसे होती है। फार फील्ड में इट इज द रीजन डेट इज फार फ्रॉम द ब्लास्ट, डेट इज 4 to 20 miles, नीदर डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ एयर ब्लास्ट नोर ग्राउंड वाइब्रेशन कैन अकाउंट फॉर द अफेक्ट प्रोड्यूस। इट रिप्रेजेंट्स ए कंसेंट्रेशन ऑफ फोकसिंग ऑफ एनर्जी इन ए नैरो रीजन, ओनली द साउंड एनर्जी कैन एक्सप्लेन द साउंड वेव्स ट्रेवलिंग इन टू द एटमोसफेयर आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ, कंसेंट्रेशन इन द नैरो रीजन टू प्रोड्यूस एन इंटेंस ओवर प्रेशर। एयर ब्लास्ट फोकसिंग इज प्राइमरली ड्यू टू द एटमोसफेरिक इन्वर्जन एंड विंड। एटमोसफेरिक इन्वर्जन जो है वो क्या है, अंडर नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन द एटमोसफेयर 3.5 degrees Fahrenheit फॉर ईच 1000 feet। इफ दिस इज रिवर्स तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज विद द हाइट इंस्टेड ऑफ कूलिंग एंड इट इज कॉल्ड टेम्परेचर इन्वर्जन। अच्छा ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज ए फंक्शन ऑफ ए टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इंक्रीजिंग व्हेन द एयर इज वार्मर। अब वार्मर एयर है टेम्परेचर इन्वर्जन में तो फिर जो है वो ये फिनोमेना ज्यादा होगा। चेंज इज अप्रोक्सीमेटली 1 foot per second फॉर द टेम्परेचर चेंज ऑफ 1 degree Fahrenheit। इन द कूलर एयर ऑफ द अपर एटमोसफेयर साउंड वेलोसिटी डिक्रीजिंग कॉजिंग द साउंड वेव्स टू कर्व अपवर्ड इन टू द एटमोसफेयर अवे फ्रॉम द अर्थ, द साउंड इज अब्सॉर्ब्ड इन द एटमोसफेयर। ये नॉर्मल कंडीशन है कि साउंड अब्सॉर्ब होगी, लेकिन इन केस ऑफ इन्वर्जन क्या है, व्हेन टेम्परेचर इन्वर्जन एग्जिस्ट occurs, the air temperature increases with the height, so the velocity of the sound also increases. Due to increased velocity, the sound waves curved downward towards the ground and may return to the earth at some distance from the point of origin and concentrate and focus in the narrow region to produce a high sound level. So, ये वो मामला है सारा। और इसी तरह विंड एनर्जी जो है वो साथ के साथ मिल गई है, तो ये डेट विल बी, ये देखें कि ये जो है ब्लास्ट साइट्स है और इसमें जो है टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं है, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। अब विद अल्टीट्यूड क्या हो रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो प्रेशर पल्स है दे विल बी focus in the far region near जो लास्ट उसमें एयर ब्लास्ट उधर भी जो विंड एनर्जी के डायरेक्शन भी वहां पे है, तो वो डेट फोकसिंग जो है उसमें वो डेट विल बी मल्टीप्लाइड, अगर इसके ऑपोजिट है तो वो उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये है, इसमें कोई समझने वाली बात समझ आ गई बात, मैंने कहा कि ये है दैट इज ए इनटू द रूट ऑफ द चार्ज वेव, वैसे जो है वो ग्राउंड वाइब्रेशन के लिए है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि चार्ज वेट जो है 0.3, तो क्यूब रूट चार्ज वेट का लेते हैं। ये मैंने आप पे छोड़ा है कि आप बताएं कि उसमें स्केयर रूट क्यों लेते हैं, उसमें चार्ज वेट क्यों ले, डी इज द डिस्टेंस इन फीट, डब्ल्यू द मैक्सिमम चार्ज पर डिले इन पाउंड्स एंड के इज द स्केल डिस्टेंस। तो ये के जो है वो स्केल्ड डिस्टेंस है, तो ये इसको जो है वो स्केल्ड डिस्टेंस। अब जो काजीज ऑफ एयर ब्लास्ट के काजीज क्या है, इसको हम काजीज को 4 categories में डिवाइड करते हैं। 1 is APP एड कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लास्टिंग सेफ्टी के हवाले से कि ब्लास्टिंग क्योंकि आप एक्सप्लोजिव को हैंडल कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव को हैंडलिंग कैसे करनी है, उसकी क्या प्रिकॉशंस है, इस पर एक ब्रीफ सा जो है डॉक्टर तारक साहब के मैनुअल में जो लास्ट चैप्टर है उसको एक रीड आउट कर लीजिएगा, सिंपल है वो। इसमें जो है वो जो एक्सप्लोजिव स्पेशली जो है वो जब आप नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव को हैंडल करते हैं
और उसको आपने जो है विदाउट ग्लव्स उसको नहीं हाथ लगाना। तो होता ये है कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन आपकी स्किन पे लग जाए और वो डेट विल बी अब्जॉर्ब बाय योर स्किन, और क्या होता है कि उसमें जो जो वेन्स है, एक नॉर्मल पर्सन है उसकी वेन्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं, और इट विल फील कि भाई वो नोजिया फील होगा, हेडिक होगा, वोमिटिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये इस तरह ये जो है एक्सप्लोजिव को आपने बड़ा ही प्रॉपर ही तरीके से उसको जो ग्लव्स पहन के अगर एक्सप्लोजिव को डील कर रहे हैं जो लोग, तो वो उनके लिए जो एक्सप्लोजिव वाले जो उसके ड्रेस है वो भी सेपरेट होना चाहिए। तो उसको आप जो है वो फुल प्रिकॉशंस के साथ उसको हैंडल करेंगे। उसका जो है वो जो आपने ड्रेस पहना है उसको फिर आपने उसको चेंज करना है, और हैंड वॉश करके जो है खाना छाना जो है वो खाना सारा। तो ये सारे मामला तो उसकी हैंडलिंग के, और इसी तरह मैगजीन जो है वो एक्सप्लोजिव स्टोरेज जो है वो एक्सप्लोजिव स्टोरेज जो है वो उसमें जो है वो मैगजीन फॉर द एक्सप्लोजिव स्टोरेज मस्ट कंफर्म टू द स्पेसिफिकेशन लेड, मैगजीन मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें जो है वो जो है वो ये बिल्डिंग से जो इसकी स्टोरेज होती है, जो इसकी मैगजीन जो बिल्डिंग से दूर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें अब आप एक्सप्लोजिव रखना है, तो एक्सप्लोजिव जो है डेटोनेटर्स में भी स्टोर्ड विद अदर एक्सप्लोजिव मटीरियल। डेटोनेटर्स और एक्सप्लोजिव इकट्ठे नहीं होने चाहिए। एक्सप्लोजिव जो है वो लैदा डेटोनेटर्स को लैदा स्टोर करें। व्हेन एक्सप्लोजिव्स इन द ब्लास्टिंग एजेंट्स आर स्टोर टुगेदर ऑल ऑफ द मटीरियल इन द मैगजीन इज कंसिडर्ड टू बी द हाई एक्सप्लोजिव फॉर द सेपरेशन डिस्टेंस परपजेज। ब्लास्टिंग एजेंट्स मे बी स्टोर्ड इन एनी अप्रूव्ड मैगजीन एक्सेप्ट व्हेन द एक्सप्लोजिव्स आर बीइंग डिपॉजिटेड और व्हेन ड्रॉन जो है वो उसको जो है दे शुड बी केप्ट इन अंडर लॉक। तो एक बंदा होना चाहिए जिसके पास ये कीज हो, डिस्ट्रीब्यूटर, ताकि उसकी हैंडलिंग, उनका स्टॉक कीपिंग जो है वो इजी हो जाए। उसकी उसको एक्सप्लोजिव को रखे, उसको जो है वो लॉक करे। और उसमें ये है कि जब वो एक और चीज़ पहले भी मैंने बात की है कि जब नया स्टॉक आता है तो ये ना हो कि पुराना स्टॉक पीछे लगा दे, फ्रेश स्टॉक आगे लगा दे, तो वो जो है पीछे वाला जो है, हर एक्सप्लोजिव की भी एक्सपायरी टाइम होता है, तो वो एक्सपायर हो जाए और वो प्रॉपर वो उसमें अपनी परफॉर्मेंस ना दे सके। इसमें जो है एनफो अगर ज़्यादा देर पड़ा रहे तो उसमें जो है वो ऑयल जो है वो उसमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ख़राब हो जाती है, वो फुल परफॉर्मेंस नहीं अपनी दे सकता। इसी तरह डायनामाइट है, उसकी भी एक्सपायरी डेट है। स्लरीज और ये जो दूसरे एक्सप्लोजिव्स हैं जो है इमल्शन वगैरह, इनकी ज़रा एक्सपायरी टाइम ज़रा ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आपने इसको जो है वो ख्याल रखना है कि उसको प्रॉपरली स्टोर करना है। एक बंदा इंचार्ज हो ताकि उसकी जो है वो बुक कीपिंग जो है वो ईजिली उसकी वो कर सकते हैं। तो ओनली ऑथराइज पर्सन शुड डिपॉजिट और विड्रॉ द एक्सप्लोजिव। ए नंबर ऑफ ऑथराइज पर्सन शुड बी केप्ट टू ए मिनिमम फॉर बोथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह अकाउंटेबिलिटी और ये सारी चीज़ें वो सही हो जाएगी। एनफो की भी बात होगी तो उसमें फ्यूल सेग्रीगेशन हो जाती है अगर वो ज़्यादा देर रहे उसमें। उसके बाद जो है वो प्रोलॉन्ग स्टोरेज शुड बी अवॉइडेड। गुड हाउस कीपिंग स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द मैगजीन टू मिनिमाइज द फायर हैजर्ड। द वेजिटेशन आउटसाइड द मैगजीन एक्सेप्ट द लाइव ट्रीज ओवर 10 फीट हाई शुड बी क्लियर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 25 फीट एंड रबिश शुड बी क्लियर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 फीट। तो मैगजीन से जो है वो छोटी ये स्मॉल बुशेज शुड बी क्लियर्ड ऑफ फ्रॉम मैगजीन तो विद इन द रेडियस ऑफ 25 फीट। इसी तरह जो रबिश जो है वो भी 50 फीट के जो है रेडियस में नहीं होनी चाहिए। स्मोकिंग फ्लेम्स ये तो बिल्कुल ही जो है वो फिर परमिट नहीं होना चाहिए। तो मैगजीन शुड बी क्लियरली मार्क्ड, मतलब लिखा होना चाहिए कि ये मैगजीन है, इसमें एक्सप्लोजिव पड़ा है और ये सारा मामला है। प्राइम्ड एक्सप्लोजिव मस्ट नेवर बी स्टोर्ड इन द मैगजीन। कुछ एक्सप्लोजिव जो है वो एक्सप्लोडेड रह जाते हैं, उसको ले करके फील्ड से, ये नहीं है कि फ्रेश के साथ रख लें, उनको लैदा रखें।
उसको डिस्पोज करने के लिए जो है डिस्पोजल जो है वो बनी होते हैं, सिस्टम्स बनी होती हैं, वो एजेंसीज हैं, उनको फ़ोन करें, उन डिस्पोज ऑफ करें जितना, ये नहीं है कि उठा के उनको फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ आप रखें। तो ये जो है मैगजीन के हवाले से जो है सारा जो है वो इसको आपने करना है। देन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द मैगजीन टू द जॉब साइट, आप टेक्नोलॉजी को लेके जाना है आपने जॉब साइट पे। अब गाड़ी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत आरामदेह, लेकिन ऐसी गाड़ी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें जो ऐसे मटेरियल की बनी हो जो कम फ्रिक्शन दो दे, कि अगर एक्सप्लोजिव जो है वो उसमें उसके साथ अगर रगड़ खा के कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए तो वो उस तरह की ना हो कि वो उसको इनिशिएट कर दे। तो एक्सप्लोजिव जो है ट्रांसपोर्टेशन शुड बी डन इन एन अप्रूव्ड व्हीकल इन ए गुड रिपेयर एंड स्पेशली आउटफिटेड फॉर दिस जॉब। तो उसमें ये सारा मामला होना चाहिए। वो आप उसमें भी डेटोनेटर लादा रखें और दूसरी चीज़ें एक्सप्लोजिव वगैरह लादा रखें, और जो बंदा है वो फुली ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। एक तो एक गाड़ी की जो होनी चाहिए वो ऐसी के फ्रिक्शन प्रूफ हो, और उसमें अच्छी तरह उसको जो है उसको डोर को लॉक कर दे, कहीं ये नहीं कि एक्सप्लोजिव बाहर गिर जाए और फ्रिक्शन या इम्पैक्ट की वजह से इनिशिएट हो जाए। तो अगर छोटी मोटी साइड पर कोई फायर जो है वो इनिशिएट हो जाए तो उस बंदे को उस फायर को जो है वो एक्सटिंग्विश करने का तरीका आना चाहिए, वो सारे जो मामले। तो ही शुड बी ए ट्रेंड पर्सन जो है वो। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग द मोस्ट कन्वीनियंट अवेलेबल व्हीकल जो है वो नहीं होनी चाहिए। द इंटीरियर ऑफ द एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट मस्ट बी एक्सप्लोजिव कंपार्टमेंट जो है विद इन द व्हीकल शुड बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ नॉन स्पार्किंग मटीरियल। इफ डेटोनेटर्स हैज टू बी हार्ड on the same vehicle as explosive they must be properly separated from the coil. Detonators should be protected from electric contact. electric contact se bhi usko jo hai wo ye alada usko rakhna chahiye. to ye sara jo hai isko achhi tarah aap isko dekh lijiyega. blasting jo hai wo blast small fires that are clearly isolated from the explosive cargo शुड बी फॉर। तो बंदा वो ट्रेंड होना चाहिए उसको जो है वो, ताकि वो सारी चीज़ें इनको हैंडल कर ले जो है। अब इसमें जो है ये सारा डिटेल के बाद ये पोस्ट शॉर्ट सेफ्टी इस पर भी कर लीजिएगा। ये ज़्यादा अंडरग्राउंड में है, अंडरग्राउंड में आपने ब्लास्टिंग की है तो पोस्ट फ्यूम जो है वो